अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम वाइट चिकन। तो चलो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम चिकन बना रहे हैं तो हमें चिकन तो चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, उसमें मैंने नमक, चाट मसाला, गरम मसाला और साथ ही नींबू का रस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने करीब चिकन को एक घंटे के रेस्ट के लिए रखा था, आप चाहे तो डायरेक्टली आप बना सकते हो। और उसके बाद पहले हम चिकन को पकाएंगे, उसके बाद हम चिकन को रोस्ट करेंगे। आपको चिकन सीधा जिसमें भी आपने रखा था उसे रेस्ट के लिए डायरेक्टली वैसे ही सब कुछ इसमें मिला देना है। कुछ भी नहीं रखना कि आप सोचिए कि चिकन निकाल के उसे पकाना, नहीं, आप सब कुछ एज इट इज ही डाल दीजिए। और कोशिश करिए कि आप नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल कढ़ाई में चिपक जाते हैं, इसलिए मैं नॉन स्टिक में ही भुनाई करती हूँ जब क्रीमी वाली चीज़ें मैं बनाती हूँ। अब इसे हम पकाएंगे बिल्कुल अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, गैस की फ्लेम को कम कर देती हूँ। और जब तक ये पक रहा है आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। मैं इसे गैस में रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो ओवन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम यूज़ करेंगे तेल और बटर, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घी, बटर, तेल तीनों चीज़ें यूज़ करी है। आप चाहे तो डायरेक्टली मतलब या तो घी में भी कर सकते हो या डायरेक्टली तेल में भी कर सकते हो। फिर हम जो मैंने काजू और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो उसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे उसे अच्छे से। इसके बाद जो भी कढ़ाई में मसाला लगा हुआ था चिकन का, वो भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। जैसे इसकी भुनाई हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 चम्मच। आप अपने मिर्च मतलब आपको मिर्च जितनी पसंद है, मेरी तरफ से तो आप इतना ही डाल लीजिए क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, तो बहुत मीठा मीठा हल्का सा काली मिर्च का मतलब तीखापन आपके मुंह में आना चाहिए, तो आप इतना ही डाल लीजिए। अब इसके बाद जब ये अच्छी से इसकी भुनाई हो जाए तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर अमूल की क्रीम ली है, आप चाहे तो घर का भी मतलब होम मेड क्रीम भी यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसे ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखिए बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिएगा 5 से 10 मिनट के, जब आप ढके हो तब आप इसे हिलाते रहिए बस। फिर आपको करना क्या, आपका क्रीम चिकन तैयार है। अब इसे देखिए बिल्कुल परफेक्टली ही मतलब मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए और ढका था, मतलब बिल्कुल आप देख लीजिए तेल जो है वो सरफेस पे आ गया। अब इसमें गार्निशिंग कर लीजिए हरी धनिया की, और जो हमने चिकन रोस्ट किए थे अलग से वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप बटर अलग से अच्छे से पका लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए, फिर आप इसके जब आप खाने बैठे तो बटर को इसके ऊपर सर्व करिए। और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।